11 अगस्त 2022 को राखी है। रक्षाबंधन के दिन पूरे दिन कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, रात्रि को ही आपको भाइयों को राखी बांधनी पड़ेगी। आइए आज के वीडियो में आपको बताते हैं अपने भाई के नाम के हिसाब से कैसे राखी का चयन करें और ऐसी राखी कैसे लाएं, किस कलर की राखी अपने भाई को बांधें कि आपका जीवन सार्थक हो सके, वो आपके आपको बहुत सारा पैसा दे सके राखी पर और आशीष भी दे सकें, आशीर्वाद भी दे सकें, लेकिन मनमाना पैसा आपके भाई के पास आए ऐसा राखी का कलर चुने, राखी का टेक्सचर चुने तो आपको बहुत खुशी होगी। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक है। भाई को किस रंग की राखी आपको बांधनी है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप आज पहली बार डॉक्टर उमाश्री चैनल पर आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ इसी तरह की ज्ञान भरी बातें आपको बताई जाती हैं। किसी भी चैनल पर आपको भद्रा का मुहूर्त किसी ने नहीं बताया होगा अब तक, तो जो लोग बड़ी बड़ी राखी की वीडियो लगातार बना रहे हैं, दना दना बना रहे हैं, उनके दिमाग में एक बात नहीं आई कि भद्रा का मुहूर्त आपको बता दें जिससे आपको ज्ञात हो सके कि पूरे दिन राखी का कोई मुहूर्त नहीं है और सांझ ढले ही आपको राखी बांधने का श्रेष्ठ मुहूर्त प्राप्त होगा। अगर आप मुहूर्त में विश्वास नहीं करते तो अलग बात है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और बताना प्रारंभ करते हैं आपको किस राशि का आपका भाई है और कौन से रंग की राखी उनको बांधनी है। अगर आपका भाई की जो राशि है मेष है, लग्न के हिसाब से भी देखें और राशि के हिसाब से भी देखें। अगर आपके भाई की लग्न मेष है या राशि मेष है या नाम ए पर है तो भाई को ऑरेंज कलर की राखी बांधें, आपको शुभ परिणाम मिलेंगे और उनको भी शुभ परिणाम मिलेंगे। अगर आपके भाई के जो राशि है वृषभ है, लग्न वृषभ है और नाम वी पर है तो सफ़ेद रंग की या सिल्वर कलर की राखी आप अपने भाई को बांधते हैं जिसमें गोल्डन टच होना ज़रूरी है। इससे आपको चमत्कृत रूप से फ़ायदा मिलेगा और भाई को भी फ़ायदा मिलेगा। अगर आपका भाई मिथुन लग्न या मिथुन राशि का है और उसका नाम पी पर है या के पर है तो आप अपने भाई को हरे रंग की राखी बांधें, उससे उनका भी जीवन सार्थक होगा और आपको भी भला होगा। कर्क राशि है अगर आपके भाई की या कर्क लग्न है या है पर नाम है या डी पर नाम है तो आपको अपने भाई को लाल रंग की राखी बांधनी चाहिए। ये राजयोग कारक होता है और राखी बांधते ही वो जिंदगी में चमत्कार को महसूस करेंगे। अगर आपका भाई सिंह राशि का या सिंह लग्न का है तो बैंगनी कलर की राखी उनके लिए शुभ होगी। अगर उसका नाम एम पर है तो अवश्य ही पर्पल कलर की राखी उनको बांधें। अगर आपकी भाई की राशि कन्या है या लग्न भी कन्या है और नाम पी पर है या पै पर है तो आपको गुलाबी रंग की राखी भाई को बांधनी है, इससे उनका जीवन सार्थक होगा और आपका भी भला होगा। आइए तुला लग्न और राशि की बात करते हैं। अगर आपका भाई का नाम रैप आर पर है या रैपर है तो आपने भाई को अगर आप सिल्वर कलर की राखी बांधते हैं या रानी कलर की राखी बांधते हैं तो आपको लाभ होता है और उनको भी लाभ होता है। अगर आपका भाई वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न का है और नाम एन पर है या न पर है तो चटकीला लाल रंग उनके लिए शुभ रहेगा और चटकीले लाल रंग की राखी उनको बांधकर आप अपने जीवन को और उनके जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। अगर आपके भाई की राशि धनु है या धनु लग्न है या उनका नाम भय पर है या बीएच पर है तो आप अगर पर्पल कलर की या भगवा कलर की राखी अपने भाई को बांधेंगे या पीले कलर की राखी या गोल्डन कलर की राखी अपने भाई को बांधेंगे तो आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से लाभ होगा और लाल रंग की राखी भी आप बांध सकते हैं। अगर आपका भाई मकर लग्न या मकर राशि का है और नाम जे पर है या जय पर है तो आपको सफ़ेद या सफ़ेद में सिल्वर कलर मिक्स या अन्य शेड साथ अलग अलग शेड्स जो धूप छांव जैसे कलर होते हैं उस रंग की आप राखी बांधते हैं या सिल्वर कलर की राखी बांधते हैं या चांदी की जैसे सिल्वर की राखी आती है वो राखी आप बांधते हैं तो चमत्कार होगा और आपके भाई के नसीब जाग जाएंगे और आपके भाई के साथ साथ आपके भी नसीब जाग जाएंगे। अगर आपका भाई कुंभ राशि का है या कुंभ लग्न का है और नाम एस पर है या सै पर है तो भाई को अगर आप नीले रंग की राखी बांधेंगे तो शुभ है, लेकिन अगर आप नीले रंग की राखी नहीं बांधना चाहते तो आप पिंक कलर की राखी भी बांध सकते हैं। हरे रंग की राखी को तो अवॉइड करें लेकिन पिंक कलर की राखी बांध सकते हैं। अगर आपका भाई मीन लग्न वाला है या मीन राशि वाला है और नाम चै पर है या सी एच पर है तो आपको पीले रंग की राखी अपने भाई को बांधनी चाहिए, इससे आपका भाग्योदय होगा और आपके भाई का भी भाग्योदय होगा।
तो हमने आपको 12 लग्न और राशि के हिसाब से बताया कि किस कलर की राखी आपके भाइयों के लिए शुभ है और शुभता को आप प्राप्त कर सकते हैं, पैसे वाले बन सकते हैं, आपका भाई पैसे वाला बन सकता है। लेकिन मुहूर्त का ध्यान रखिएगा, दिन में कोई मुहूर्त नहीं है राखी बांधने का, क्योंकि संपूर्ण दिन भद्रा है और भद्रा में राखी अगर नहीं बांधते हैं आपके यहाँ तो राखी ना बांधें। अगर आपके यहाँ इस चीज़ को वैल्यू नहीं दी जाती तो आप जो मर्जी आपके जी में आए तो करें। हमारा काम था आपको ज्योतिषी होने के नाते अच्छी सलाह देना, लेकिन आपके घर में जो चीज़ चलती है उसको ही फॉलो करें। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।